परिषद के द्वारा पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कानपुर नगर से निःशुल्क 5 ई रिक्शा एवं अन्य खाद्य सामग्री भरा ट्रक नीलकंठ गेस्ट हाउस जूही हमीरपुर रोड से पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया तथा समिति अध्यक्ष रत्नेश वर्मा नीलू के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समिति अध्यक्ष रत्नेश वर्मा नीलू ने बताया कि विगत कई वर्षों से शिव सेवक समिति निरंतर ही अमरनाथ यात्रा भक्तों के लिए निरंतर कार्य करती रही है। यात्रा में समिति के द्वारा विगत कई वर्षों से निःशुल्क ई रिक्शा एवं रहने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। समिति अध्यक्ष रत्नेश वर्मा नीलू ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि इस बार उन्हें भारत भर में पहला चाइल्ड केयर की अनुमति मिली है, जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाबा बर्फानी की ऊपर तक यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें बालटाल में ही समिति सुरक्षित रखने का कार्य करेगी। आज समिति के सदस्य के द्वारा 5 ई रिक्शा सहित अन्य खाद्य पदार्थों भरा ट्रक रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि पवित्र यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी। इस 7 ई रिक्शा निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों समेत नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर श्री अमरनाथ यात्रा करें। आपकी आवश्यकता को शिव सेवक समिति बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से निरंतर पूर्ण करेगी। इस दौरान पदाधिकारी ने हर हर महादेव एवं बम बम भोले के जोरदार नारे लगाए। कार्यक्रम के मुख्य रूप में आलोक कुमार, अनिल चतुर्वेदी, स्रोत गुप्ता, अंगद शर्मा, श्याम जी तिवारी, नीरज पांडे, अमित वर्मा, परशुराम शुक्ला, मोंटी शुक्ला, प्रमोद त्रिपाठी, पार्षद योगेंद्र शर्मा, अनुज यादव, मनोज जसवाल, रवि यादव, रितेश गुप्ता सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। उस पीछे शिफ्ट पीछे अमरनाथ बाबा की जय। चलो बाबा बाबा अमरनाथ बाबा की जय। अमरनाथ बाबा की जय। जी आज क्या सामग्री भेजी जा रही है, किस समिति के द्वारा भेजी जा रही है, कहाँ भेजी जा रही है? सबसे पहले तो बाबा अमरनाथ की जय। कानपुर वालों को ये सौभाग्य मिला है कि बाबा उनके घर पे आ गए, उनके दर पे आ गए, उनका एक एक दाना अपने दरबार पर बुला रहे हैं और पूरे विश्व के लोग भक्त आते हैं। भक्तों में किसी के मुंह में दाल जाएगी गालों में, किसी के चाय जाएगी, किसी कुछ जाएगा। इस तरह से बाबा अमरनाथ के यहाँ दूसरी बार ये ट्रक सामग्री का जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से बाबा अमरनाथ की कृपा है और ई रिक्शा जो जा रहे हैं, जो ई रिक्शा वहाँ फ्री में मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मैं कानपुर वासियों से ज़रूर अपील करूँगा कि बाबा घर आ गए हैं, बाबा को देखो। शिव सेवक समिति कानपुर की बनी है, जो एक बड़ी बात है। आप समझिए कि भारत में और वहाँ जहाँ कानपुर का सबसे ज़्यादा बाबा का आशीर्वाद मिलता हो, प्यार मिलता हो, और जगह जगह पे बाबा की सामग्री कानपुर से सैकड़ों लोगों के पास से जाती हो, अब आपके घर का हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप आइए, सोइए, आराम करिए, खाइए, आप अपने घर में होटल जैसी व्यवस्था वहाँ पर से सेवक समिति आपको कर रही है। रिक्शा जा रहे इस बार 7 रिक्शा जा रहे हैं, पहले 5 जाते थे, 7 रिक्शा जा रहे हैं, और सारे रिक्शा से सभी की सेवा हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि पहली बार जिस तरह से हम लोगों ने ई रिक्शा लगाए थे, लोग चौकन्ने थे
कि ये हुआ क्या। और मैं समझता हूँ अगर माननीय मनोज सिन्हा जी का आशीर्वाद ना मिला होता राज्यपाल जी का तो शायद कानपुर का तो भंडारा ना लगा होता। और सबसे बड़ी भूमिका हमारे शैलू भैया की, रत्नेश भैया की, ज्यादा कुछ उनसे पूछिए चूंकि ये बाबा के बड़े भक्त हैं, बहुत छोटे भक्त हैं। चाइल्ड केयर की भी व्यवस्था की गई, इसमें क्या नया है? देखिए चाइल्ड केयर में ये है कि हमारे बीच की जो माताएं थी, बहनें थी, जिनको बाबा याद आते थे लेकिन हाय 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, अब 13 साल तक के बच्चों को हम लोग वहाँ व्यवस्था करेंगे, वहाँ रहेंगे, मनोरंजन होगा, खाना होगा, पीना होगा, उनकी सारी व्यवस्था होगी, माँ आएगी तो बच्चा उन्हें हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ मिलेगा जैसे भगवान कृष्ण अपने माँ जसोदा के पास जब मिलते, जसोदा निकलती हंसते हुए कृष्ण मिलते थे, ऐसे भोले बाबा के स्वरूप में हंसते हुए उनके बच्चे मिलेंगे। इसी को लेकर वहाँ एक चाइल्ड केयर का कार्यक्रम किया गया है शिव सेवक संघ के द्वारा। किस समिति के द्वारा क्या सामान भेजा जा रहा है आज? ये शिव सेवक समिति है कानपुर से, जो हम लोगों ने 2003 में रजिस्टर्ड कराई थी, जो हमारे माननीय रघुनंदन सिंह भदौरिया जी पूर्व विधायक की वजह से हम लोगों को 2022 में कानपुर को पहली परमिशन मिली वहाँ पे 5 ई-रिक्शा मिलाने की, लगाने की। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर 2023 में हम लोगों को वहाँ पर उसके साथ में भंडारे की परमिशन मिली। और अब की बार सौभाग्य है कि हम लोगों को पूरे भारतवर्ष में 132 भंडारे में एक इकलौती परमिशन मिली है चाइल्ड केयर की, जिसमें हम लोग 13 साल से कम के बच्चे जो कि यात्रा के लिए प्रतिबंधित हैं, उनके उन बच्चों के चक्कर में उनके पेरेंट्स भी ऊपर दर्शन करने नहीं जा पाते थे, इस साल से वो 13 साल से कम के बच्चे हमारी संस्था द्वारा उनकी टेक केयर की जाएगी और उनके पेरेंट्स सुबह दर्शन करने जाएं, जब शाम को वो वापस आ जाएंगे तो उनके बच्चे उनको सौंप दिए जाएंगे। इस बार कितने ई रिक्शे भेजे जा रहे हैं? इस बार हम लोगों की तरफ से 7 ई-रिक्शे भेजे गए जा रहे हैं, जिसमें से 5 एट ए टाइम हम लोगों के रोड पर रहेंगे, 2 हम लोगों के चार्जिंग पे स्टैंड बाई के तौर पर रहेंगे और 7 में भंडारे का भी आयोजन है। और हम आपको बताना चाहते हैं, एक बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के साथ में जो हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि कानपुर को हम लोग एकजुट कर पाएं, यहाँ की जो संस्थाएं और हम लोगों की, जैसे हम लोग भी पहले दूसरी संस्थाओं को देते थे, तो कि कानपुर एक होकर के एक साथ करें, उसमें हमारे साथ में दीक्षित जी आपके साथ में दिख रहे हैं, ये आनंदेश्वर अमरनाथ सेवा परिवार से अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने पहली बार हम लोगों के साथ में ये पूरा ट्रक जो है सामग्री हम लोगों के साथ में भेज रहे हैं। और हम लोगों की ये कोशिश है कि अगली बार से भगवान चाहेगा तो हम लोगों को किसी और की जरूरत नहीं होगी, हम लोग कानपुर अकेले दम पर सक्षम होगा कि हम लोग वहां पर ई रिक्शा और भंडारा सब कर पाएंगे। शहरवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरह अमरनाथ यात्रा कर समिति वहां क्या क्या वहन कर रही है? कानपुर नगर को विशेषकर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वहां पर उनको जैसे ही 2 मील से उतरेंगे सबसे पहला भंडारा उनको वहां पर कानपुर नगर का शिव सेवक समिति कानपुर लगी दिखाई देगी। उनको किसी भी चीज की, वहां पर रहने की, खाने की, बच्चों के टेक केयर के अलावा अगर किसी के पास वहाँ पर लौटते समय किराया नहीं है, किसी के पास फंड्स गिर गए हैं, कोई दिक्कत है, तो वो समिति में संपर्क करेगा और उसको निश्चित तौर पे 100% उसकी वहाँ पर मदद की जाएगी। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।